हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मेल विद शिवी। तो आज है संडे और देखिए मॉर्निंग की शुरुआत कुछ नाश्ते से हुई है। आलू की पकौड़ी जो कि सिर्फ शिवी के लिए बनाई गई है, हम लोगों ने कुछ और खाया है। तो मैंने बाकी लोगों के लिए क्या बनाया है, पहले तो शिवी और शिवी की दादी का देखिए पूरे दिन यही चलता है। पूरे दिन यहाँ पर खिलौने बिखरे रहते हैं और मैडम अपनी दादी के साथ खेलती रहती हैं। तो मैं बना रही हूँ घर में सबके लिए ब्रेड पकौड़े और शिवी के लिए आलू की पकौड़ी, क्योंकि शिवी ब्रेड नहीं खाती। तो यहाँ पर मम्मी पापा का निकाल दिया ब्रेड पकौड़े चटनी उनको दे दिया गया है। तो आज है संडे, संडे का दिन जो है होता है फन डे। बट हम वेट कर रहे हैं, हमारे घर में आने वाले हैं कुछ गेस्ट जो कि आप लोग मिल चुके हैं काफी टाइम। मेरी नंद आने वाली है, उनकी फैमिली आने वाली है और एक फैमिली और है, होगा तो मिलवाऊंगी नहीं तो कोई बात नहीं। और पापा यहाँ अपनी चोट को देख रहे हैं, मम्मी हमारी यहाँ बैठी है। मम्मी क्या सोच रही हो? मम्मी व्हाट्सअप खेल रही है। और आजकल मम्मी हम फेसबुक पे कुछ फोटो लगाते हैं तो मम्मी स्टोरी कल मम्मी रात में लाइक कर रही थी, तो मेरे पास तुरंत नोटिफिकेशन आया। मैंने कहा अच्छा मम्मी यहाँ पे बैठ के लाइक कर रही हूँ, हम अंदर बैठे हैं सोने जा रहे थे। और शिवी हमारी सो रही है क्योंकि शिवी सुबह जल्दी उठ गई थी। और ऐसा शिवी हमेशा करती है कि सैटरडे और संडे जिस दिन हम लोगों की पापा की शिवी की छुट्टी होती है उस दिन शिवी जल्दी उठती है और हमारी नींद खराब करके फिर खुद नहा धो करके सो जाती है। और ये रे, अरे अपना मुंह दिखा दो, दिखाने लायक है अभी। तो यहाँ पे ये मूवी देखी जा रही है और घर में जो है मेरी नंद उनकी फैमिली वो सब आ चुके हैं और यहाँ पे चाय नाश्ता करवाया जा रहा है। और बहुत लेट आए ये लोग, आने वाले थे आफ्टरनून में और करते करते बहुत लेट हो गए। तो यहाँ पे सब लोग बैठे हैं चाय नाश्ता कर रहे हैं। और शिवी के लिए देखिए मैंने काका काका ये आई वाला मंगवाया है। ये पूरे दिन दादा दादी को परेशान करती रहती, कहती जोड़ो, उनको सिखाती रहती है। पता नहीं कौन किसे सिखा रहा है, भगवान जाने, बट पूरे दिन इससे टाइम पास हो जाता है सबका। थोड़ी सी हींग और गैस कर दी है बंद और साथ में थोड़ी सी लाल मिर्च। और तो ये चटपटा जो है, और आज किचन थोड़ा मैसी है क्योंकि है ना, ये छोले हैं, आटा गुंदा हुआ रखा है। गोलगप्पे में कोई रहता खाता है अरे। तो अब बनने वाला है पूड़ी, गरम गरम पूड़ी बनेगी, खाना खा जाएगा और फिर सोया जाएगा। नहीं यार, तो ये रात हो जाएगी, 8-10-9 बजे तक जाएंगे। खाना ये पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा कौन सा खाना है, लंच है डिनर है, डिनर है, ये क्या है, ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है क्या है, खाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है वो कैसा खाना चाहता है, लाइट खाना चाहता है, ज्यादा खाना चाहता है लंच में ही और डिनर कंप्लीट करना चाहता है, तो बात अलग है। मैं तो ये खाना खाना चाहता हूँ, लाइट तो मैं खाता नहीं, लाइट तो इन्वर्टर खाता है। अच्छा, तो चलो मैं खाना बना लेती हूँ, नहीं तो पूड़ियाँ बना लेती हूँ गर्मा गर्म, ये बहुत लेट हो जाएगी। और ये गर्मा गर्म ना अभी मालिश कर दूँ, बहुत ज्यादा गंदा गंदा हो रहा है, इसको थोड़ा खाली करती हूँ। ओके भाई, चलो निकलो। पे दावत के लिए स्टार्टिंग हो गई है, छोले निकल गए हैं और ये बन रही है गर्मा गर्म पूड़ियाँ। तो ये आटा, और नंद जी को भी थोड़ा काम पे लगा दिया है, आते ही नंद को काम पे लगा दिया, आते ही नंद को काम लगा दिया कि चलो चुपचाप, भंडारा ऐसे नहीं होता घर में, थोड़ा बहुत करवाना भी पड़ता है। तो यहाँ पे खाना वगैरह सोनम लगाने लगी हैं क्योंकि गर्मा गर्म खिलाने का कुछ अलग मजा होता है। तो मैं एक तब पूड़ी बना रही थी, सोनम फटाफट खिला रही थी, और घर में मेरे ससुराल से मैंने बताया और भी लोग आए हैं। तो जैसे कि घर में हो गए थे 9-10 लोग, मेरे चाचा चाची भी आए थे, पापा को चोट लगी थी तो उन्होंने पता लगा दिल्ली में ही रहते हैं वो, तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम संडे को आएंगे। तो यहाँ पे फटाफट चाचा चाची भी आए, उनको भी बहुत लेट हो गए थे आने में, तो खाना जो है ऐसे टाइम पे हो रहा था, पता नहीं चल रहा था ये लंच है डिनर है, बहुत शाम हो गई थी। और फिर उसके बाद सब जाने वाले थे, मैं कहा उससे पहले एक बार चाय फिर से हो जाए, तो चाय नाश्ता। और अब सब लोग जाने के मूड में हैं तो चलिए थोड़ी गपशप हो जाए। मैडम जाने को कह रही है और हमने कहा अभी बहुत सारे बर्तन रखे हैं, धुल के जाना, इतना काम करवाएंगे तो भागना तो पड़ेगा, काम के डर से बाकी और क्या, हम सोच रहे कल सुबह कभी नाश्ता करवा लेंगे। भैया हम तो रुक जाएंगे, उनको रोको, गाड़ी तो वही चला के ले जाएंगे ना, तुम बोला मैं गाड़ी में नहीं बैठूंगी, कहाँ चली, नहीं तो फिर भैया को छोड़ना पड़ेगा, नहीं फिर तुम चली जाओ। ये सही है, बहुत गंदी है, देखो मैं रो रो के लेके जा रही हूँ, मम्मी को भी लेके रो रो के दुख हो रहा है मुझे, भाभी से जुदा कर रही हूँ मम्मी को,
मम्मी को विदा कर रही हूँ, दुख तुम्हें हो रहा होगा, तुम्हारे जा रही है। ये नाटक नाटक ना, कैसा नाटक। सोनम अच्छी लग रहे हैं ये, बस एक पे घूर लटक जाए, एक पे लट्टू तो और अच्छा। कह रहे तीन दिन घंटी क्यों लटकाई है ये कौन। अच्छा भैया बस ये बैल की घंटी अच्छी लग रही है। आज सोनम लग रहे बड़ा अच्छा, इतना लगा कि आंख से आंसू आ रहे हैं, पता नहीं क्या धुआं धुआं सा लग रहा है मुझे। तो कुड़िया बनाई इससे जैसे होगी क्या, हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, हमें कुछ दे दो, बना के दे दो, खिला दिया, दोनों का एक बार में खिला दिया। शाम को 5 बजे खाना खाते, 5 बजे खाना खाने वाला डिनर भी मांगने का, तभी हेल्थ पे कह रहे कॉन्सेंट्रेट करो भैया, यहाँ तो 12 बजे खा लेते हैं रात को। मिठाई लेकर खिलाई नहीं मुझे, मिठाई नहीं लेकर गई थी, वो कौन सा था, एक ही थी, डिब्बे में इतनी सारी पीस थी, लोगों इतने थे, मिठाई कम पड़ेगी। मिठाई कौन सी थी, वो बड़ी अच्छी थी, छमछम, हाँ छमछम, मैं नहीं क्या मिठाई भी लेकर गई तो छमछम करते हुए। छमको ना सीट मिली नहीं है, मुझे बैठने बर्तन वाली खाना बनाने वाली, ये बर्तन वाले लाई है, मैं खाना बनाने वाली हूँ। तो आपको कौन सी चाहिए दोनों में से, रेट तो सुनो, कितना लोगे, 20,000 तो कम से कम दे ही देना। तो यार मैं खाना अच्छा बनाती हूँ तो मैं डबल कर बर्तन में बहुत अच्छा, बर्तन के साथ साथ आदमी को भी देती हूँ, घिसवाना हो तो बताई करें। हम थोड़ी देर में मिलते हैं, विदा करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या बनता है, मतलब आप भी खाने की बात करेंगे, आप समझ सकते हो उनका खाने का राज में क्या सीन है। सही बात, कौन से समझ जाएगा, जब अपने घर जाकर ढूंढना बनाएंगे, यहाँ से कहाँ क्या जाएंगे, और क्या जब आए इतना पेट्रोल खर्च करके तो पूरा तो खत्म कर, मतलब भाभी का पेट्रोल निकाल के ही रहेंगे और क्या, पूरा वसूल। चलो ठीक है, फिर बनाते हैं कुछ, देखते हैं बाबा पानी में से कुछ खिला देते हैं, ठीक है, मिठाई खिला दो, मिठाई तो मैं पेड़ भरता है, ये सही है, पापा ने भी कह दिया मिठाई खिला दो, मिठाई तो क्या पेड़ भरता है, भाई कह रहे पेड़ा खा लो, भाई कह रहा पेड़ा खा लो, बहुत सारी मिठाई, पापा कह रहे बेटा भुजिया भी रखी खा लो। आज मतलब थोड़ा सा लगा कि मम्मी पापा गए ना, तो थोड़ा सा एक्चुअल में वो अभी जाएंगे, थोड़ा सा था कि वो तो रेगुलर घर पे, गांव में भी कासगंज में काम आ गया तो वहाँ का है, वो जाएंगी घर अपने अपने ससुराल होली पे, तो मम्मी पापा 1 वीक अप्रोक्स सोनम क्या रहेंगे, फिर उसके बाद वहीं से सोनम के यहाँ से वो वहीं चले जाएंगे, क्योंकि वो वहीं जाएंगे गाँव अपनी, तो वहीं पास में ही है कासगंज, तो वो वहां से वहां भी छोड़ के चले जाएंगे। और उसके बाद मम्मी ने बोला है कि छुट्टी मिले तो आ जाना स्कूल, आ जाना आ जाना। और कू ने जो हाल कर रखा है पूरे बेड का, ये लड़की सुबह से उठती है, अब तो इतनी आतंक हो गई है, अब दादा दादी को पता भी चल रहा है कि हाँ कितनी कुहू ने जो है शैतानी शुरू कर दी है। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल अगर नहीं किया है तो, और अगर अब वेट कर रहे हैं शादी होगी तभी करोगे, सिंगल है तभी नहीं कर रहे हो ना, ऐसे देख ले रहे हो, मिंगल हो गए तभी लगता है ये लोग, दिमाग का देख कर देगी तब तब कहेंगे सालवी शिवी को कर लेते, वो जो है ना शिका शिका नाम की लड़की, वो थोड़ा सा सही बोल रही थी, है ना।